तो हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मास मूवी के बारे में। क्या शाहरुख खान का कैरेक्टर मर गया है या फिर वो मरा नहीं और फ्यूचर के किसी मूवी में हमें दिख सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने ब्रह्मास मूवी नहीं देखी हो तो इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉइलर हो सकता है, तो आप ये वीडियो अपने रिस्क पर देखना। तो अब बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी में हमें दिखाया गया है कि रणबीर कपूर के फादर ही असली विलन होते हैं, जिसका नाम देव होता है और वह अमिताभ बच्चन के साथ गुरुकुल में एक शिष्य होता है और उसके पास भी अग्नि अस्त्र होता है और वह अग्नि अस्त्र के पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल करके ओवर पावर बन जाता है और उसके बाद वो और भी अस्त्रों की पावर लेना चाहता है और ले भी लेता है। लेकिन इतने सारे पावर्स लेने के बाद भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती और वह अस्त्रों के देवता यानी ब्रह्मास्त्र को लेना चाहता है और ब्रह्म देव बनना चाहता है। तो उसको रोकने के लिए रणबीर कपूर की माँ से उसका फाइट होता है, जिसके पास जल का पावर होता है। अब मूवी में तो हमें नहीं दिखाया गया है कि वो दोनों का फाइट कैसे हुआ। मूवी में बस अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर बोलता है कि एक द्वीप पर उन दोनों का फाइट हुआ था, जिसके बाद ब्रह्मास्त्र के दो टुकड़े टहरते हुए गुरुकुल तक आ जाते हैं और सभी को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं। लेकिन मूवी का विलन देव मरता नहीं और उसे कैद कर दिया जाता है। लेकिन मूवी में तो ये दिखाया नहीं गया कि उसे कैद कैसे किया जाता है। हम देखते हैं कि एक बड़े से मूर्ति के अंदर वह कैद है और उसे उस मूर्ति से निकालने के लिए मोनी राय का कैरेक्टर ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहती है और एंड में उसे ब्रह्मास्त्र मिल भी जाता है और वह देव यानी मेन विलन को आजाद भी कर देती है। तो मुझे लगता है कि इसके सेकंड पार्ट में देव की स्टोरी दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि उसके मन में इतने सारे पावर की लालच कैसे आई। और बात करें शाहरुख खान के कैरेक्टर मोहन की, तो हमें शुरू में ही दिखाया जाता है कि मोनी राय का कैरेक्टर, जिसका नाम जुनून होता है, वह शाहरुख खान को अपने काबू में लेकर उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। लेकिन शाहरुख खान उसे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बाद वह होश में आ जाता है और वह कहता है कि मैं कभी हारता नहीं हूँ और बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जिस कारण सबको लगता है कि वह मर गया है। लेकिन मूवी में एक बार भी उसकी बॉडी को नहीं दिखाया गया है। और आप जानते हो कि फिल्मों का लॉजिक क्या होता है, अगर मूवी में बॉडी नहीं दिखाया गया तो वह कैरेक्टर मरा नहीं है, बल्कि फ्यूचर में किसी न किसी तरह से वह हमें दिख सकता है। और ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के बाद सबसे ज्यादा तारीफ किसी कैरेक्टर का हो रहा है तो वह शाहरुख खान के कैरेक्टर का। तो शाहरुख खान का कैरेक्टर हमें फ्यूचर के मूवी में जरूर दिखेगा, नहीं तो इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है, जिसका नाम देव होने वाला है, जो कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 का प्रीक्वल होने वाला है, उसमें हमें जरूर से शाहरुख खान का कैरेक्टर दिखेगा गुरुकुल में अपनी शिक्षा लेते हुए। और हो सकता है कि देव और मोहन दोनों अच्छे दोस्त हो गुरुकुल के समय से और उन दोनों की पहले फाइट भी हो चुकी हो। मुझे ब्रह्मास्त्र मूवी सच में काफी ज्यादा अच्छा लगी। हाँ, इसमें कुछ गलतियां थी जो कि पहले मूवी होने की वजह से नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड में ऐसी कोई मूवी नहीं बनी है, वो भी इतने भारी भरकम VFX के साथ। तो इस वजह से इसकी सारी गलतियां माफ है और मैं इसके सेकंड पार्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे देव का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और वैसे भी मुझे मूवीज में हीरो नहीं विलन पसंद है, जो कि मुझे लगा कि हाँ, देव के कैरेक्टर में उतना दम है और वो एक फारू विलन है जो हीरो की पुंगी बजा देगा। तो इसी वजह से मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन मेरे एक्साइटेड होने से कुछ नहीं होगा। इसका सेकंड पार्ट तभी बनेगा जब इसकी फर्स्ट मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। अब अभियान मुखर्जी ने इस मूवी को बनाने में 410 करोड़ लगाए हैं, तो कम से कम इस मूवी को 600 से 700 करोड़ कमाना ही होगा। और अगर मूवी इतना कलेक्शन नहीं कर पाएगी तो शायद ही हमें इसका सेकंड पार्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि घटा का सौदा कोई नहीं करना चाहता है आज के दौर में। इसी वजह से आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को जाकर थिएटर में देखो, अगर आप थिएटर में जाकर देख सकते हो तो। अब सारी बातें डिपेंड करती है इस मूवी के कलेक्शन पर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।